লাগবো হ্যাঁ হ্যাঁ দিন লাগবো বলবা কা না আচ্ছা বারে বারে জঙ্গল কিংরি 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 দিব উপর হ্যাঁ হ্যাঁ ঠান্ডা দিনে পর কতরা কাটিছে লাইন 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 কাটি দিছে হুম হুম দূরশেটা পড়িছে হুম হুম কতটা নেকি হ্যাঁ সুতালা বলি আই করি আচ্ছা নিত্রি নিত্রি দিছে হ্যাঁ গোটা জাগার কুণ্ড আছে কুণ্ড বলি পাথর আছে হ্যাঁ টোকনা কি মাটি আছে বলি কিনিবি নি পারা বারে বারে কুণ্ড গোটে আছে হুম কিছু জানা পড়ে तो बहुत ही बढ़िया जगह है यार डोकरी चचरा। हम लोग जितना सोचे थे ना उससे कहीं जाता है। भैया हमारे साथ मौजूद हैं और हमको इस जगह की जानकारी दे रहे हैं और सच में काफ़ी ज़बरदस्त। ये इरा कैंटा भैया कैंटा का जमानी चाहिए। अच्छा पार्किंग है ये, तो पार्किंग है ये। ऊपर में पहाड़ी आप देखिए, प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत दृश्य। और वो जो पहाड़ियाँ छोटे छोटे पहाड़ी दिख रहे हैं एकदम छोटे छोटे लग रही हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग पहाड़ के काफ़ी ऊपर में हैं। अभी देखिए अभी बन रहा है सारे चीज़ें, आप लोग देख सकते हैं। और आगामी जो 10 अप्रैल है यहाँ से भव्य मेला की शुरुआत होने जा रहा है रामनवमी का, तो उस वक्त ना यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी भीड़ होने वाली है ना। तो कोशिश करेंगे हम लोग उस समय आने का। ना नागमणि भैया आएंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। मैं तो खुश हूँ, तो नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे। बिल्कुल 10 तारीख का इनका एक भव्य मेला लगेगा यहाँ पर, तो कोशिश रहेगा आने का पूरा बढ़िया। तो ये सारे जगह बन रही हैं अभी, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और पानी देखिए मार्च के महीने में जो पानी आ रहा है, आप लोग समझ सकते हैं कितना बड़ा झरना है और क्या इस झरना की खासियत है। तो थोड़ा सा झुक के जाएंगे अभी हम लोग, और चलिए भी आगे चलिए। काम चल रहा है यहाँ पर, ट्रैक्टर वैक्टर सब लगे हैं। तो अभी हम लोग एक नया जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से मतलब वाटरफॉल जिसको हम आप लोगों को विजिट करवाने वाले हैं। तो ये बन रहा है कुछ डिजाइन वगैरह, आप लोग देख सकते हैं, रुकने ठहरने के लिए ऐसा कुछ। तो वाटरफॉल देखने के लिए ना आप लोगों को थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। जहाँ अब तक हम लोग ब्लॉग कर रहे थे पूरा मंदिर था, बहुत सारे हैं, राम भगवान जी के मंदिर थे, हनुमान जी के मंदिर थे, महादेव भोलेनाथ जी के मंदिर थे, लेकिन वाटरफॉल देखने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को जंगल का रास्ता और पैदल आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं कितना फिसला, मतलब ना सीधा आप लोग देख सकते हैं पूरा खाई है, इसी खाई को आपको पार करना है। फुल एडवेंचर मेरे भाई, वाकई में गजब यार, देख के को नहीं आराम से उतर यार। ओ माय गॉड, अरे ओके। तो ये देख सकते हैं आप लोग, बांस का कुछ बनाया गया है, लकड़ी का शायद। ये जो बना रहे थे ना ये लोग चढ़ने उतरने के लिए, तो उस वक्त उनका मतलब बेस बनाने के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था, आप लोग देख सकते हैं ये सारी चीज़। नागमणि भाई लोग उधर से आ रहे हैं ब्लॉक करने के लिए, और आप देखो यार और ख़तरनाक है भाई। हमको पूरा नीचे जाना पड़ रहा है, पहाड़ी को उतरना पड़ रहा है, समझ रहे ना। ओके, गर्मी भी बढ़ रहा है, तापमान टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ओ वहाँ से हम लोग चढ़ाई किए थे, वो उधर से देख लो आप लोग कितना धुंध है। और अभी हम लोग और नीचे जाना पड़ेगा भाई, और नीचे। सोच सकते हो आप क्या एडवेंचर जगह लेके आ गए हम लोग। जब ओ माय गॉड, देखिए यार फिसला मतलब ना भाई, खाई हाँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे भैया जी रुकी है थोड़ी देर में, यहाँ पे कुछ पूजा पाठ होता है और नीचे उतरना पड़ेगा। मैं मिस करना नहीं चाहता इसलिए पूरा कैमरा को चालू करके रखा हूँ। ये देखो पानी का दृश्य यहाँ से देखने को मिलने लगा है, वो पानी नीचे नीचे झरझर झरझर करके झर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओ देखियो आप, गजब पूजा पाठ भी होता है। और हमको नीचे जाना पड़ेगा, बहुत नीचे हम लोग आ चुके हैं, और नीचे जाना पड़ेगा। इसका मतलब आप सोच सकते हो हम लोग कितना ऊपर अपना जो बाइक है पहाड़ी के ऊपर में हम लोग बाइक स्टे करके रखे हुए हैं। और यार सच में ज़बरदस्त, पूरा बृहद जंगल, खौफनाक जंगल और फुल मिस्ट्री जंगल, क्या बताएं। डोकरी चचरा, अब हम लोग वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं नीचे, बहुत नीचे जाना पड़ेगा भाई, तब जाके हम आप लोग को वाटरफॉल दिखा सकेंगे। और हम लोग को शुक्रिया करना चाहेंगे यहाँ के कमेटी को, डोकरी चचरा की कमेटी को, और जिन्होंने हमारे साथ अपने एक साथी को भेज दिया है गाइड को, या आप इनको लेके जाइए और वाटरफॉल एक्सप्लोर करवाइए।
वो नहीं होते तो हम इस जगह आप लोगों को नहीं दिखवा पाते। ठीक है, हमारा पूरा टीम काफ़ी मेहनत काफ़ी मशक्क़त के साथ नीचे उतर रहा है। ध्यान से पैर नहीं फिसलना चाहिए, बहुत खाई है आप लोग देख सकते हैं आगे, और ख़तरनाक भी है। पैर फिसला मतलब देखिए 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 देखिए, तो हम लोग ना भाई, वाह ओ माय गॉड, ओ हो, मार्च का महीना, गर्मी का महीना और वाटरफॉल देखो आप, बरसात में क्या इसका नज़ारे देखने को मिलते होंगे। भैया बुला रहे हैं थोड़ा अंदर जाने का, तो अंदर सामने से थोड़ा चल के देखते हैं। अब पानी देखिए आप लोग मेरे भाई, ओ माय गॉड, फुल पैसा वसूल मेरे भाई। ओके, तो चलिए थोड़ा सा नज़दीकी से वाटरफॉल आप लोग को दिखवाते हैं। थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा और मशक्कत करना पड़ेगा। देखो डोगरी चचरा यहीं से, ऑसम, ज़बरदस्त, जितनी तारीफ करे उतनी कम, क्या कुदरत का करिश्मा है मेरे भाई। यहाँ आप देखो यार, दोनों पहाड़ी के बीच में, इधर देखो पहाड़ी आप पूरा लगा हुआ है, पहाड़ी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये पहाड़ी लगा हुआ है ऐसे, ठीक है, और इस दोनों पहाड़ी के बीच में खाई में है ये बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल। वो भी मार्च के महीना में इस तरह का सुंदर वाटरफॉल, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बरसात में कितना बढ़िया वाटरफॉल यहाँ पे बनता होगा। वेल, तो यहाँ पर नीचे पानी भी देखो आप, अब तक पानी चल रही है बढ़िया। ओ माय गॉड, वाओ, गजब, जबरदस्त, जितनी तारीफ करें उतनी कम, वाओ, ग्रेट, ओ माय गॉड। ऊपर देखो आप, कैमरा का लेंस कम पड़ जाएगा, वाटरफॉल का सीमा ख़त्म नहीं होगा। और इधर राइट हैंड साइड देखिए आप, क्या प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, संरचना भगवान ने बहुत ही फुर्सत से इस झरने को बनाया है यार, वाकई ऑसम, मन गदगद हो गया। और नीचे पानी देखो आप, ये पानी देखिए बहुत ही साफ और स्वच्छ नज़र आ रहे हैं। और 12 महीने लोग आते हैं इस जगह पर, ऐसा नहीं है कि कोई एक निश्चित समय पर, 12 महीने आते हैं, 12 महीने वाटरफॉल चलता है भाई, ये इसकी खासियत है। और डोगरी चचरा इसीलिए फेमस है, मैं क्या बताऊँ, अपने मुंह में तो शब्द नहीं निकल रहे हैं, वाकई में मन बहुत ही गदगद होगा इस जगह आने के बाद। और ऑसम, तो ये है भाई डोगरी चचरा की खासियत। और आप लोगों को लग रहा होगा कि नीचे सिर्फ पानी है, तो ऐसा बिल्कुल भी आप मत समझिए, इसमें अथाह खाई है, समझ रहे हो ना आप लोग, अथाह खाई का मतलब क्या होता है, इसमें आज तक इसकी गहराई को कोई नाप नहीं पाया है। बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए हैं, बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, बहुत सारे जो पुरातत्व विभाग के लोग भी आए थे, लेकिन इसकी गहराई का अब तक अनुमान नहीं लगा पाई है। और यहाँ पर आए दिन हादसा होते रहते हैं, कहने का मतलब पिछले एक दो बार में एक घटना भी हुआ था, बता रहे हैं यहाँ के लोग कि एक आदमी अंदर में गिर गया था, तो 7-8 दिन के बाद उसका डेथ बॉडी आया था किया सामने में। तो जब भी आप लोग आते हैं इस जगह पे, तो अपना सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखिएगा आप लोग, आवेश में आकर के, आप बहकावे में आकर के इसके अंदर में छलांग मत लगाइएगा कभी भी, तो इस चीज़ को आपको फॉलो करना है यहाँ पर आने के बाद। तो ये है हमारा वाटरफॉल डोगरी चचरा, और कल कल की मधुर आवाज़ इतना है कि मेरा आवाज़ शायद आप लोग तक पहुँचेगा। तो यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं वाटरफॉल, और एक कूल है काफ़ी बड़ा, इसकी गहराई का अब तक किसी को अंदाज़ा नहीं है कितना गहराई है। और हमारे पीछे फ़ोटो शोटो चलना शुरू हो गया है, हमारे पूरा टीम का मेंबर लोग यहाँ पर आए हैं। वेल, तो बहुत ही खूबसूरत और शानदार, जानदार, जितनी तारीफ करे उतना कम, और ये उड़ीसा सरकार का एक अमूल्य संपत्ति मैं बोलना चाहूँगा पर्यटन स्थल के तौर पर, और बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस है। उड़ीसा और उड़ीसा सरकार ने इसकी काफ़ी बढ़िया देखरेख भी की है। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आ गया।
और चारों तरफ आप लोगों को पहाड़ी पहाड़ी नजर आएगा, देख सकते हो वो पूरा दोनों पहाड़ी के बीच में है हम लोग अभी, ठीक है। वो मेरे ऊपर ऐसे दाएं बाएं आप लोग देखो पूरा पहाड़ी ही पहाड़ी है, ठीक है, और इन्हीं पहाड़ी के बीच में है ये वाटरफॉल। तो हम लोग नीचे गए थे, बहुत थक गए हैं, काफ़ी ऊंचा चढ़ाई था, वाटरफॉल हमने विजिट किए, देन वापस से हम लोग जो मंदिर परिसर है वहाँ पर पहुँच गए और दिन के 2 से 2:30 बज रहे हैं, धूप काफ़ी तगड़ा है और हमारी पूरा टीम जो है पूरी तरह से थक चुका है। हम आगे का कार्यक्रम थोड़ा रेस्ट लेंगे, देन उसके बाद आपको कंटिन्यू करेंगे। यकीन मानिए वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो जो टॉप में कोई डोकरी चचरा की मेन शिखर है और बहुत सारे मंदिरों का एक्सप्लोर अभी करना बाकी है अभी भी। तो 10-12 को इनका मेला लगने वाला है इस जगह पे, जो मेला पर कोशिश करेंगे आने का, वहाँ पर है पूरा मंदिर परिसर, फिलहाल इसको चढ़ना है भाई। ये है इसका जानकारी, आप लोग देख सकते हैं पढ़ सकते हैं, से नो पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीथीन यहाँ वर्जित है। अभी हम लोग जा रहे हैं जो हम आप लोग को वाटरफॉल दिखाए थे तो हमने आप लोग को नीचे से दिखाए थे, सोच रहे हैं थोड़ा ऊपर से दिखा के चले कि कैसे आप लोग को दिखता है। ये महादेव भोलेनाथ जी की मंदिर है जो कि शुरू में ही हमने आप लोगों को दर्शन करवाए थे, उनके राइट हैंड साइड में हम लोग नीचे जा रहे हैं, ठीक है। जो ये पहाड़ी है, जो अद्भुत संरचना वाला पहाड़ी आप लोग देख रहे हो, है ना, कैमरा में उतना फोकस नहीं आ रहा है लेकिन देखो पहाड़ी का क्या खूबसूरती है ना। तो उससे नीचे हम लोग चलेंगे और आप लोगों को जो वाटरफॉल है ऊपर से हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे। अभी तो देख रहे थे कि नीचे से देख रहे थे, अब ऊपर से देखेंगे, ठीक है। तो अभी ढलान है, ढलान से उतर रहे हैं हम लोग, गर्मी का महीना शुरू हो गया है, मार्च का महीना है, पतझड़ हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो तापमान है पहाड़ी के बहुत ऊपर है अभी हम लोग, ठीक है, तापमान भी बढ़ रहा है और हमको भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद हम आप लोगों को अद्भुत नज़ारे दिखाएंगे ज़रूर। नागमणि भाई भी हैं, वो आगे निकल गए हैं और ये वाटरफॉल देखो आप, ठीक है, ये पानी ऐसे करके इधर से आता है ऐसे ना, और नीचे वाटरफॉल बनता है उधर उस साइड, ठीक है। वहाँ पर यात्री प्रतीक्षालय बनाया, बरगद का पेड़ है। चलिए थोड़ा सा सामने से आप लोग को दिखाते हैं, जो नज़ारे हम आप लोग को नीचे से नहीं दिखा पाए थे ना भाई, ऊपर से आप लोग देख लो, ये पहाड़ी फिर वो वाला पहाड़ी, तीन पहाड़ी के बीच में है एक बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल, जो पानी यहाँ से आप लोग पा रहे हैं। गर्मी के महीना शुरू हो गया है, अमूमन जो वाटरफॉल के पानी है वो सूख गई है, लेकिन डोकरी चचरा का वाटरफॉल उसमें अभी 4 चांद लगा हुआ है, कहने का मतलब अभी पानी है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं ये शुरू होने जा रहा है ऊपर से नज़ारे, यहीं से नीचे हम आप लोगों को दिखा रहे थे भाई अब तक के वाटरफॉल, और ऊपर से हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। वो देखो अरे बाप रे, देखो कम से कम 300 फीट ऊपर है, ऊपर होगा। अब तक हम लोग आप लोग को नीचे का सीन दिखा रहे थे ना, और ऊपर से आप लोग देखो वहाँ से हम लोग ऐसे आए थे नीचे नीचे करके, उधर से हम लोग चढ़ाई चढ़े थे, बहुत ही दुर्गम चढ़ाई था यकीन मानिए, और ऊपर से दिख रही है ये वाला अद्भुत, और हाथ पैर थर थर कांपने लगा है मेरा तो यहाँ के आने के बाद, क्योंकि यहाँ से देखो यार आप, यहाँ से पूरा खाई है, देखो आप देख रहे हैं आप लोग, और इधर से हम लोग आए थे, और देखो यहाँ से बहुत ही खौफनाक मंजर है भाई, इधर देख सकते हो, इधर इतना गंदा है, तो खौफनाक जगह है ये। तो यहाँ से देख सकते उड़ने का कोशिश। तो भाई डोकरी चचरा का सबसे टॉप पर हम लोग आए हैं, यहाँ से वाटरफॉल बनता है तकरीबन 300 मीटर का वाटरफॉल होता है, और नीचे से जो सीन हमने आप लोगों को दिखाया बहुत ही अद्भुत था, अमेजिंग था, और हम सोचे कि आप लोगों को ऊपर का भी सीन दिखा के चले। ये ऊपर सबसे टॉप पर हम लोग आए हैं, बहुत ही ऑसम नज़ारा, ज़बरदस्त है,
बहुत ही भगवान ने प्रकृति ने खूबसूरत तरीके से इस वाटरफॉल को बनाया है। और हमारा जो ऑफिशियल जो कैमरामैन था कुंजारी, दरअसल वो इस जगह को लोकेट नहीं कर पाया होगा, उसके मन में दुख होगा क्योंकि वो अनदर जो वाटरफॉल, बहुत सारे वाटरफॉल है, दूसरे वाटरफॉल को कैप्चर करने के लिए चले गए थे, तो हमने एक गाइड रखा, गाइड के साथ हम लोग नीचे गए और इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर किए। तो हम समिति ने हमको बोला है, यहाँ का जो संरक्षण समिति है, कि आप लोग 10 अप्रैल को आइए। तो हम लोग 10 अप्रैल को आएंगे, यहाँ पे मेला लगेगा रामनवमी का, तो उस दिन आएंगे और आप लोगों को वो भी बहुत सारे चीज़ें पे एक्सप्लोर करवाएंगे, ऐतिहासिक जानकारी देंगे, इन पहाड़ियों के अंदर जो खूबी रहस्य है, रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे, जांच पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हमारा समिति जो रहे, इस जगह का जो समिति है वो हमारा साथ देगा, ऐसे उन्होंने बोले हैं। तो वेट करेंगे 10 अप्रैल का और बहुत सारे आप लोगों को जानकारी देंगे। फिलहाल आज की वीडियो में हमने आप लोगों को धुबरी क्षेत्र एक्सप्लोर करवाए, इन खूबसूरत पहाड़ियों को हमने आप लोगों को एक्सप्लोर करवाए, वाटरफॉल दिखाए। उम्मीद करते हैं जो वीडियो है बहुत ही अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर कीजिए, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, आपसे लगातार इस चैनल पर ब्लॉग आने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नया बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।